नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज हम यहाँ पे कोई जूम टेस्ट या फिर कैमरा कंपैरिजन या फिर चार्जिंग टेस्ट नहीं करने वाले हैं, बट एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वीडियो होने वाला है। तो अभी रिसेंटली माइक्रोमैक्स ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, माइक्रोमैक्स इन नोट 2 एंड इन नोट 1 का अपग्रेडेड वर्जन है यहाँ पे, एंड इसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये स्मार्टफोन है मेरे पास, पिछले 2 या 3 दिन से मेरे पास है, तो इसको मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया है। तो सिर्फ अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं है, बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन के साथ कैसा रहा है इनिशियली, एंड आपको ये डिवाइस के बारे में क्यों सोचना चाहिए, कौन से एरिया में ये डिवाइस बेहतर है, कहाँ पे बेहतर नहीं है, क्या कमियाँ है, तो इनिशियली मुझे जो भी लगा है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है बिकॉज़ ये जो डिवाइस है वो मुझे प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस लगता है अंडर 15,000। तो क्यों लगता है, क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में पता चलेगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वैसे अगर आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बिकॉज वीडियोस तो बहुत सारे लोग देखते हैं बट जब चैनल को सब्सक्राइब करने की बारी आते हैं तो नहीं करते हैं। तो रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखते हैं, कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो माइक्रोमैक्स ने इसे रिसेंटली ही लॉन्च किया है, एंड इसकी जो प्राइस आ गई है उसको देखने के बाद मुझे लगा कि डेफिनेटली इस टाइप का एक वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज जो इसकी प्राइस रखी गई वो है 13,500, बट जो इंट्रोडक्टरी ऑफर है जो फर्स्ट सेल होने वाला है 30th of January को जो सेल होने वाला है वहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ 12,500 रुपये में। तो उस प्राइस पे तो ये डेफिनेटली किलर डिवाइस है, एंड आपको ये डिवाइस क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, वो सब अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिए। चलिए तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है, तो वो है इस फ़ोन की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। जो इन नोट 1 आया था वहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी थी वो प्लास्टिक की थी, एंड जो डिज़ाइन थी वो भी कोई इतना खास इंप्रेसिव नहीं था, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिज़ाइन है वो बहुत ही प्रीमियम दी गई है, एंड साथ ही साथ बैक में भी यहाँ पे आपको ग्लास दिया गया है, प्लास्टिक नहीं है, एक ग्लोसी बैक है, बट डिवाइस डेफिनेटली आपको इन हैंड काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी प्रीमियम इन हैंड फील आपको देखने को मिलता है। तो जो डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी है उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, एंड जो एजिस वगैरह है वो भी फ्लैट दिए गए हैं, एंड वैसे आजकल फ्लैट एजिस ट्रेंड पे चल रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा क्यों चल रहे हैं, बिकॉज आईफोन वालों ने किया है, तो ठीक है फ्लैट एजिस अभी के लिए ट्रेंड पे चल रहे हैं, एंड उस तरह का डिज़ाइन दिया गया है। एंड जो डिवाइस का इन हैंड फील है वो मुझे काफ़ी सही लगा है, एंड इतना बड़ा डिवाइस भी नहीं है, एकदम छोटा डिवाइस भी नहीं है, जो 6.43 इंच की डिस्प्ले वाले फ़ोन आते हैं उसी साइज़ का फ़ोन है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो इन हैंड फील है, डिज़ाइन है, एंड जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा है। एंड डेफिनेटली अगर आपने डिवाइस को हाथ में रखा होगा तो कोई ये तो नहीं बोलेगा कि यह 12,000 या 13,000 का फ़ोन है, बट 20,000 से 25,000 के फ़ोन के जैसा आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है। चलिए तो डिज़ाइन के बाद बात कर लेते हैं इसके दूसरे सबसे बड़े अपग्रेड के बारे में जो कि मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा है, वो इसका डिस्प्ले। तो जो इन नोट 1 था वहाँ पे आपको IPS डिस्प्ले दिया गया था, यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, एंड 6.43 इंच की FHD प्लस AMOLED है, एंड जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी सही लगी है, कलर्स वगैरह काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, एंड इंडोर एंड आउटडोर अगर आप ब्राइटनेस की भी बात करते हैं तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, वहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है, एंड अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो फीचर भी यहाँ पे दिया गया है। Xiaomi के फ़ोन्स की तरह नहीं है कि जहाँ पे आपको सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पे आप कंटिन्यूस भी रख सकते हैं, तो वो चीज़ भी काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर आप मीडिया कंज्यूम वगैरह करते हैं तो फिर आपको डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। हाँ, बट जो डिस्प्ले है उसमें कलर्स है मुझे थोड़े से ज़्यादा लगे, ज़्यादा सेचूरेटेड है, एंड वहाँ पे वैसे सेटिंग्स दिए गए बट उसको अप्लाई करने के बाद भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जो कलर्स है वो थोड़े से ज़्यादा है, बाकी ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी सही लगी है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है इसका प्रोसेसर, यहाँ पे आपको दिया गया है MediaTek का Helio G95, एंड काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, एंड इससे पहले भी काफ़ी सारे डिवाइस में आप ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड अराउंड 15,000 के डिवाइस में आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलता है, बट यहाँ पे माइक्रोमैक्स आपको इसको 12,500 में दे रहा है, एंड मुझे यहाँ पे ये काफ़ी सही कॉम्बिनेशन लगा है। साथ ही साथ जो स्टोरेज टाइप है वो भी UFS 2.1 है, नॉर्मल स्टोरेज नहीं है EMMC, तो उसी की वजह से यहाँ पे जो डे टू डे ऑपरेशन है उसमें आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा, एंड सभी टास्क ईजिली यहाँ पे ऑपरेट हो रहे थे, कोई भी इश्यू नहीं था, एंड अगर आप गेमिंग वगैरह भी करना चाहते तो डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड वैसे इस प्रोसेसर के आपने काफ़ी सारे वीडियोस देख रखे होंगे तो कुछ उसी तरह का परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड प्रोबेबली अंडर 15,000 तो ये प्रोसेसर मुझे काफ़ी सही लगता है। अब प्रोसेसर के बाद अगर बात करिए UI के बारे में तो वो भी यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव है, जो टोक एंड्रॉइड आपको मिलता है वही दिया गया है, कोई भी स्किन नहीं लगाया गया है, माइनर से यहाँ पे चेंजेस किए गए बट वो इतने इफेक्ट नहीं करता है, एंड सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे आपको ब्लोटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलता है, एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है,
जो कि इस प्राइस रेंज के डिवाइस में काफ़ी बढ़िया है। बाकी जो दूसरी चाइनीज़ कंपनियां फ़ोन ला रही है वहाँ पे हेड्स का चक्कर रहता है एंड यूआई इतना हैवी होता है कि जो 4GB रैम है वो इनफ नहीं होती है, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी इशू नहीं है एंड ब्लोटवेयर तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। एंड उसके अलावा अगर कुछ ऐसे ऐप्स है जो आप यूज़ नहीं करना चाहते तो उसको भी आप जाके डिसेबल कर सकते हैं, जो कि आप दूसरे फ़ोन्स में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ही मुझे इसका यूआई भी काफ़ी पसंद आया है। अब अगर बात करी जाए यहाँ पे बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में, तो 5000mAh की बैटरी दी गई है एंड साथ में आपको दिया गया 30W का एडाप्टर। 30W का चार्जिंग का सपोर्ट है, एडाप्टर 33W का है एंड इसको मैंने चार्ज किया था 20 से लेकर 100% तक, तो अराउंड 60 to 70 minutes लगे थे। तो अगर आप 0 से 100% करेंगे तो 80 to 90 minutes में फुल चार्ज हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव टाइम है इस प्राइस रेंज के डिवाइस के हिसाब से। एंड दूसरे भी जो स्पेक्स दिए गए उसके हिसाब से आप देखते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी इंप्रेसिव है। एंड उसके अलावा यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले दी गई है एंड 5000mAh की बैटरी है, तो उसकी वजह से जो बैटरी बैकअप आपको मिलेगा वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो पर्सनली मेरा फेवरेट है, बट इस फ़ोन में मेरा फेवरेट नहीं है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिया गया 48MP का प्राइमरी सेंसर, उसके अलावा 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जो कि मुझे काइंड ऑफ यूजलेस लगता है। 8MP होता तो अच्छा होता था, नहीं तो नहीं भी होता तो चल जाता। एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर है, फ्रंट में मिलता है 16MP का सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पे आपको मेन जो प्राइमरी है 48MP एंड जो फ्रंट कैमरा है वो दो सेंसर मुझे ठीक लगे हैं। एंड उसके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करी जाए तो डे लाइट कंडीशन में ठीक परफॉर्म करते हैं एंड जब तक ऑब्जेक्ट की फ़ोटोज़ की बात आती है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट जैसे ही ह्यूमन सब्जेक्ट आ जाता है तो फिर वहाँ पे स्किन टोन वगैरह इतना बढ़िया देखने को नहीं मिला है एंड वहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन में ओवर शार्पनिंग की भी इश्यू भी मैंने नोटिस करी थी। तो यहाँ पे कैमरा के ऊपर डेफिनेटली अभी कुछ काम करने की ज़रूरत है। एंड वैसे जो कैमरा ऐप का यूआई है उसे काफ़ी इंप्रूव करा गया अगर आप कंपेयर करते हैं इन नोट वन से, तो डेफिनेटली यहाँ पे काम तो हो रहा है, बट स्टिल अभी भी जो कैमरा है उसमें थोड़े से इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हार्डवेयर तो ठीक है बट जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रोसेसिंग को बेटर बनाने की ज़रूरत है। एंड ये कुछ सैंपल भी मैंने आपको दिखाए हैं तो आपको भी रफली आइडिया लगा होगा कि कैमरे का परफॉर्मेंस किस तरह का देखने को मिला है। अब अगर बात कर ली जाए नेटवर्क रिसेप्शन एंड कॉल क्वालिटी के बारे में, तो अगेन कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिला है। कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है एंड अगर आप स्टोरेज भी एक्सपांड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है, तो 64GB अगर आपको इनफ नहीं पड़ता है तो फिर आप वो एक्सपांड भी कर सकते हैं। स्पीकर के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर दिया गया है एंड अगर आउटपुट के बारे में बात करी जाए तो मैं डिसेंट इनफ बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा लाउड नहीं है एंड बहुत ही ज्यादा लो भी नहीं है, तो स्पीकर इज गुड। एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करी जाए तो यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दिया गया है एंड एक्यूरेसी यहाँ पे मुझे काफी पसंद आई है, बहुत ही ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा बट जितने भी बार मैंने ट्राई किया था हर बार ओपन हो रहा था, फेल एक भी बार नहीं हुआ था, तो जो एक्यूरेसी वो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है एंड अगेन उससे भी कोई भी इश्यू नहीं है एंड इस रेंज के डिवाइस के हिसाब से वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो यही वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने 2 दिन में नोटिस करे थे एंड मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अगर आप परचेस करना चाहें इस डिवाइस को पहले सेल से पहले तो वीडियो देख के आपको कुछ हेल्प हो जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। एंड अभी भी इसके अलावा आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूँगा कि आपके उस क्वेरी को भी मैं रिजोल्व कर पाऊँ। तो ओवरऑल अगर वर्डिक्ट के बारे में बात करी जाए तो वर्डिक्ट मेरा तो यहाँ पे यही निकल के आता है कि प्रोबेबली ये वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस अंडर 15,000 एंड जो फर्स्ट सेल का प्राइस है वो तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा है। 12,500 रुपये में आपको ये सारे स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम से हमने इस तरह के स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन नहीं देखे हैं इवन चाइनीज़ ब्रांड से भी, बट यहाँ पे एक इंडियन ब्रांड आपको ये स्पेक्स दे रही है तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, यहाँ जो कैमरा है उसको थोड़ा सा बेटर बनाने की ज़रूरत है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो अपडेट्स वगैरह है उसको भी बेटर करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो इन नोट वन के यूज़र है उसने काफ़ी सारे कंप्लेंट्स करे हैं अपडेट से रिगार्डिंग, तो उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे माइक्रोमैक्स को काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो 2 चीज़ें हैं वो मेरे फीडबैक है माइक्रोमैक्स के लिए, तो उस चीज़ों के ऊपर काम करें एंड बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सही की गई है। तो डेफिनेटली अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ले सकते हैं एंड बाकी अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप जाके दूसरे रिव्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे जाके भी आपको आइडिया लगेगा कि डिवाइस लेने लायक है या नहीं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।